अब कल जाऊंगा, बैठूंगा और तुम में ताकत है तो मंत्रालय से भी रोक के बताना। दोस्तों यकीन जानो, ये शहर में अगर मजहब का सारा लेकर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, जज्बात का सारा लेकर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता तो नतीजा कुछ और होता। लेकिन मैं आज आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि नौजवानों के जज्बात से खेलकर आप लोगों की वोट हासिल कर ली गई और आप लोग पछता रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई नौजवान भटक गया, हमारे नौजवान भटक गए, हमारी बहनें भटक गई, हमारे बुजुर्ग भटक गए, तो मैं आज आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप लोग भटक गए तो आइए, मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, मैं आपको गले लगाने के लिए तैयार हूं, आप लोगों के काम करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मैं आज मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि बेदार रहने की जरूरत है। आपको समझा नहीं कि रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में, लेकिन बेदार रहो, कान खोलकर आंख खोलकर अब आप लोगों को 5 साल बेदार रहना पड़ेगा कि आपके बीच में कौन आ रहा है, आपको कौन धोखा देने आ रहा है, आपका कौन जहन खराब कर रहा है, आपको कौन जज्बात के अंदर लाकर आपकी वोट खराब कर रहा है। आप लोगों को इन सब चीजों से बेदार रहने की जरूरत है। यह शहर को ठगा गया है, यह शहर को धोखा दिया गया है, इस शहर के सनतकारों को भी धोखा दिया गया, इस शहर के नौजवानों को भी धोखा दिया गया, इस शहर के गरीबों को भी धोखा दिया गया, इस शहर के दीनदारों को भी धोखा दिया गया, इस शहर की मां बहनों को भी धोखा दिया गया और ठगने का काम किया गया। मैं बार बार बोला करता था इलेक्शन में कि इस महाराष्ट्र के अंदर जो हैदराबाद की पार्टी आई है, ये बीजेपी को शिवसेना को फायदा पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र के अंदर आई है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने जमीयतुल्लमा के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने 6 महीना पहले बोल दिया कि अवेसी साहब आप हैदराबाद तक ठीक है, आप तेलंगाना तक ठीक है, आप आंध्र प्रदेश तक ठीक है, आप वहां पर नुमाइंदगी कर सकते हो, वहां के लीडर बन सकते हो, आपको महाराष्ट्र में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो महाराष्ट्र में आए, 35 से ज्यादा सीटें उन्होंने लड़ाई, नतीजा आपके सामने है, 2 सीट चुनकर आई, 33 सीट। व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, आप इत्मीनान से देखिए, अखबारात के अंदर तबसरा आ रहा है, आप इत्मीनान से पढ़िए, 33 सीट जितनी वोट एमआईएम ने ली, उनके उम्मीदवारों ने लिया, उतनी ही वोटों से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार इलेक्शन हारे। आज 103 सीट कांग्रेस और राष्ट्रवादी की आई, अगर वो 33 सीट इधर काउंट कर लेते और वंचित आघाड़ी ने 22 जगह
22 सीटों के ऊपर नुकसान पहुंचाई। आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत इस महाराष्ट्र में बन सकती थी, मुसलमानों की हिफाजत कर सकती थी, हमारे काम कर सकती थी, हमको तहफूज दे सकती थी। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इनकी फिरकापरस्त तंजीमों के पर कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से बड़ी सुपारी लेकर वापस बीजेपी की हुकूमत बनाने का काम किया। ये आते हैं जज्बाती बात बोलते हैं, हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की बातें यहां पर बोलकर जज्बात से खेलने का काम करते। अगर मुझे बताओ, अगर ये बहुत अच्छे थे, ये बहुत अच्छा सरकार चला सकते, औरंगाबाद में वहां के मुसलमानों ने बहुत बड़ी तादाद में नगर सेवक चुनकर दिए, कारपोरेटर चुनकर दिए, एमएलए चुनकर दिए, 5 साल पहले मुंबई के अंदर चुनकर दिए, क्यों तुमने वहां पर औरंगाबाद की सीट तुम हारे, क्यों तुम मुंबई की सीट हारे, वहां की आवाम ने, वहां के मुसलमानों ने आपको क्यों धुतकारा, कि आपका चेहरा से नकाब वहां की आवाम ने नोच लिया और वहां के मुसलमानों को जो तकलीफ उठाना पड़ी, जो मसाइल उनके सामने आए, जो मुसीबतें उन्होंने उठाई, इस इलेक्शन में उन्होंने उनको इनकार कर दिया, नाकार दिया और हमारे शहर के अंदर आवाम ने उनको सरोसर सर आंखों पर बैठा दिया और वो भी पूरे महाराष्ट्र में घर धुलिया लोकसभा, धुलिया और मालेगांव के अंदर 2 सीटें आ गई। धुलिया में 4 दिन इलेक्शन को हुआ, आप वहां की मालूमात लो। मालेगांव से गोश गया शादियों में, वहां पर मालेगांव से कटके गया, अब वहां पर चैलेंज कर दिया गया कि आप यहां पर गोश काट के बताओ, रंगीन काट कर बताओ, वहां पर तकलीफ शुरू हो गई। सिर्फ जज्बाती फैसला, और अब मालेगांव शहर के अंदर मैं बार बार बोलता हूं कि वहां पर प्रशासन पर दबाव बनाने वाला एमएलए चाहिए, पुलिस पर दबाव बनाने वाला एमएलए चाहिए, सरकार के डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव होना चाहिए, फिरका परस्तों पर दबाव होना चाहिए। मैंने 5 साल आप लोगों को लेकर चला, 5 साल ये शहर को संभाला, पुलिस के ऊपर दबाव बनाया, सरकार के डिपार्टमेंट पे दबाव बनाया और 5 साल मुकम्मल मैंने निकाला कामयाबी के साथ। अब शुरुआत इनकी नए दौर की हुई, मेरी बात को आप लिख लो कि आप लोग इस शहर के अंदर अब इन 5 सालों में क्या होगा, कौन सा काम होगा, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। सिर्फ फिर वापस ये मजहब का सारा लेंगे, फिर इस्तेमाल शुरू हो जाते, इस्लाम आश्रय शुरू हो जाते और फिर आवाम को धोखा देने का काम फिर शुरू हो जाता। मैं तो कोई मदरसे का सेकुल हदीस नहीं हूं, मदरसे जरूर पढ़ा मोहम्मदिया में, कोई मदरसे का जिम्मेदार तो नहीं हूं, या फोन कर दूंगा 500 बच्चे मेरे सियासी जलसे में पट्टी पर आकर बैठ जाएंगे, वही बच्चे दूसरी जगह भी, वही बच्चे तीसरे जगह भी। आवाम को लगता नहीं, बहुत मानने वाले लोग हैं, आवाम को धोखा दिया गया
वही लोग दीनी भी प्रोग्राम में, वही लोग सियासी प्रोग्राम में, वही लोग जुलूस में, वही लोग धरने में, सब वही वही। और आवाम उनके पीछे जाती गई जाती गई और आवाम को उन्होंने ठग लिया। मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं 5 साल नाकाम रहेगी और एक मर्तबा फिर ये शहर इंशाअल्लाह मुझको याद करेगा। और मुझे ना खुशी इस बात की है कि मैंने कभी अबू आसिम आजमी साहब को नहीं कहा था कि मेरी हिमायत करो, ईमानदारी से बोल रहा हूं। उन्होंने खुद मेरी हिमायत का वीडियो भेजा, मैंने नहीं कहा था, आज तक मेरी बात नहीं हुई गुलजार आजमी साहब से, आज तक उन्होंने मेरी हिमायत का वीडियो भेजा, आज तक मेरी बात जितेंद्र आवार से नहीं हुई, उन्होंने मेरी हिमायत का, कई लोगों ने हिमायत की, मोइन मियां ने हिमायत की मुंबई से, वापस जब मैं हार गया, अब वो आसिम आजमी साहब ने 24 तारीख को उनके इंटरव्यू के अंदर जब वो चून कराए बाहर निकले, टीवी चैनल वाले ने उनसे पूछा तो अफसोस जाहिर किया मालेगांव शहर की आवाम पर कि काम करने वाला एमएलए को हरा दिए। आप देखिए वो वीडियो भी चल रही है, क्या वजह है दोबारा बोलना पड़ा। अफसोस, उनको दुख हो रहा है कि आज असेंबली में लड़ने की जरूरत है, आज की बात है। आज जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर में मुंबई में आज मुस्लिम एमएलए को इस्तकबाल दिया गया, वहां पर दो नाम का जिक्र हुआ। जमीयतुल उलमा के अहदेदारान ने अफसोस जाहिर किया कि शेख आसिफ और नसीम खान जैसे लोगों को एक बीजेपी की आरएसएस की साजिश के तहत असेंबली में नहीं पहुंचने दिया गया, ये हमें अफसोस है, आज उनकी जरूरत थी, ऐसा वहां पर आज अफसोस जाहिर किया गया। क्यों ये लोग बोल रहे हैं? लेकिन खैर, शहर की आवाम का फैसला है, अल्लाह ने फैसला कर दिया, हमको मानना है। लेकिन जरूर ये शहर की आवाम के लिए, शहर की बका के लिए, शहर के गरीबों की बका के लिए जरूर मैं पहले की तरह काम करता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा, आवाम की खिदमत करता रहूंगा, आप लोगों के साथ में मिलकर इस शहर की खिदमत हम लोग करते रहेंगे, मैं आज आप लोगों से इस बात का वादा करता हूं। लेकिन जो हमारे अपोजिशन में है, जो उन्होंने 80 वादे किए, 80 वादा, जो एक संडास नहीं बना सकते, उन्होंने 80 वादा कर, ये 80 वादा जो इन्होंने किया, ये मैं वक्तन वक्तन इनसे याद दिलाऊंगा और जरूरत पड़ने पर पूरे शहर के अंदर इनके खिलाफ में संघर्ष करके आंदोलन करूंगा और याद दिलाते रहेंगे हम लोग मिलकर, तो आप ये काम करें, ये याद तो दिलाया जाएगा। मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि आप लोग पहले की तरह मेरे साथ दो, मेरे हाथों को मजबूत करो, हम लोग मिलकर इस शहर के अंदर इस शहर की बका के लिए संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हमारी खोई हुई जमीन इंशाअल्लाह जरूर हम लोग वापस लाएंगे। अगर आप लोगों का साथ रहा तो जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरी मां बहनों से कहना चाहूंगा कि इस्तीफा में जाओ तो सिर्फ दीन की बात ही सुनो, तो वोट मांग ली जाती है आपसे, भैया ने ये किए,
भैया ने सिविल हॉस्पिटल बनाए, भैया का तो सियासी वजूद ही नहीं था जब सिविल हॉस्पिटल बना। भैया को वोट देना सवाब है, भैया कितना माल खाता ये नहीं बोल रहे। मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि बहुत लोग आपको धोखा देने के लिए आ रहे हैं और आते रहेंगे। आप लोगों का अफसोस होगा जो मैंने मेरी माँ बहनों के लिए मालेगांव फेस्टिवल 2 साल से लगाता रहा कि आप लोगों का मनोरंजन हो, हमारे बच्चों को अच्छा स्टेज मिले, अच्छी तालीम मिले, हमारे बच्चे अच्छी सलाहियत वाले वो आगे जाए, ये मेरी कोशिश थी। लेकिन आज आप लोगों को अफसोस होगा।